अकबर के कुतबे पर क्या खूबसूरत बात लिखी थी, पढ़ लो फातिहा खुदा के वास्ते, कल तुम भी मोहताज होगे इसी दुआ के वास्ते। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। जब वुजू करना मुश्किल लग रहा हो तो ये सोचा करें गुनाह धोने जा रहा हूं। इंसान जब कुछ बुरा करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी तरह देख लेता है, बस ऊपर नहीं देखता। लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। इंसान के अंदर दो कमजोरियां बहुत आम हैं, भुलाने के काबिल बातों को याद रखना और याद रखने के काबिल बातों को भुला देना। अखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। कबूलियत और मकबूलियत में से हमेशा कबूलियत का इंतखाब करो। जो मकबूल हो जरूरी नहीं कबूल भी हो, लेकिन जो कबूल हो उसे मकबूलियत की हाजत नहीं रहती। हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज़ औकात कुछ रंग सोहबतों के भी चढ़ते हैं। तालीम जिसके अंदर दाखिल होती है वो सादगी अख्तियार कर लेता है, और जिसके ऊपर से गुजर जाती है वो मॉडर्न बन जाता है। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनका काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। कोशिश करें जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। अच्छा नसीब भी खराब हो जाएगा अगर ये 6 आदतें आप नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नंबर 2, खड़े होकर पानी पीना। नंबर 3, चराग मोमबत्ती को मुंह से बुझाना। नंबर 4, दांतों से नाखून तोड़ना। नंबर 5, नमाज फजर के बाद फौरन सो जाना। नंबर 6, आस्तीन या दामन से अपना मुंह पोंछना। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर इनमें एक फर्क जरूर होता है, शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से।